अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आ रही है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये सीआईडी एडिशनल डीजीपी है, ये अभी जो है प्रेस में बता रहे हैं कि तेलंगाना को बाजू जो रियासत अभी आंध्र प्रदेश जो बनी है, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह के चारा स्कैम होता है, चारा घोटाला होता है, उसी तरह जो है बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपने अभी अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर भी आप वीडियोज़ देख रहे होंगे, वेब सीरीज़, ऐसे कई स्कैम हैं शेयर्स के। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक बहुत बड़े स्कैम के अंदर ये मुलविस थे, 370 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है। ये जिस स्कैम में मुलविस हुए ऐसा बोल के जो बताया जा रहा है उसका नाम है APSSDC यानी आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चंद्रबाबू नायडू को इस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, सीआईडी के जो बड़े हैं आला अधिकार उन्होंने ये बताया है। और उनको लेकर रोकने के लिए उनके कई समर्थक यानी उनकी पार्टी के लोग जो होते हैं उनको रोकने के लिए सामने आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा के उन्हें गिरफ्तार करके लेके चले गई, जिसकी वजह से थोड़ा सर का बताया जा रहा है कि भाई टेंशन भी हुआ है। टेंशन मतलब कि भाई ज़रा लोग विरोध करते ना ऐसा। तो बहरहाल दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए चंद्रबाबू नायडू जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था जिसके अंदर तेलंगाना भी आता था, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट भी किया था। जाहिर बात है भाई एक अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, समझबूझ रखने वाला आदमी जो कि जो है जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनते थे हर गांव में हर इलाके में सीधा चले जाते थे और वहां के आईएएस ऑफिसर को, मैंने सुना कि तकरीबन 2 या 3 आईएएस ऑफिसर ऐसे थे जैसे ही उनको पता चला कि ये उनके इलाके में आ गए हार्ट अटैक होकर मर गया। ये आज से तकरीबन 25-30 साल पुराने वाकई है, पेपरों में आप देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों लेकिन इन्होंने पूरी ईमानदारी या दयानतदारी से काम किया है जिसकी वजह से लोग इनसे डरते थे। जब तक इनका दौर था पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, करप्शन एकदम बंद हो गया था, किसी में इतनी मजाल नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि करप्शन ले सके, पैसा ले सके, रिश्वत ले सके, एकदम सख्त हर चीज़ में सख्त। इन्होंने ही जो पहली मर्तबा 10th के बच्चे हो या इंटर के बच्चे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है रिजल्ट इतना कैसा अच्छा आ रहा बोल के इन्होंने बच्चों को शफलिंग करना शुरू कर दिया, इन्हें इधर के बच्चे थोड़े उधर, उधर के बच्चे थोड़े इधर, ऐसा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और तालीम को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और आईटी का जो स्ट्रक्चर था सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने ही लेके आया, उसके बाद में जो है वाईएसआर ने भी लेके आया, फिर केसीआर ने भी चलाया इसको। ये जितने लोग आए हुए एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त अच्छे लोग आए, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आज हैदराबाद आईटी के सेक्टर में सबसे नंबर वन है और हिंदुस्तान का दुबई और हांगकांग बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, ये भी लोगों को लेके कुछ पद यात्रा निकालना चाह रहे थे, हड़ताल करना चाह रहे थे। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि भाई इन्हें रोक दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू एक मानों में बहुत अच्छे इंसान हैं, जहाँ तक हम उनको जानते हैं अच्छे इंसान थे, सख्ती से वो अपने रूल्स को जो है फॉलो कराते थे। ज़ाहिर बात है इतना फॉलो कराने की वजह से जो है करप्शन रुका है। ये और बात है कि इन्हें इस केस में पाया गया ऐसा मुलविस, अब पता नहीं अब अदालत जो है फैसला करेगी कि ये केस में वाकई मुलविस है या नहीं है, ये तो अदालत का काम है। लेकिन टेंशन होने की वजह से पुलिस जो है पूरे आंध्र प्रदेश में जो है चेकिंग कर रही है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां पुलिस वाले ठहरे हुए चेक कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और हिदायत के साथ इन्हें खुलासी अता फरमाए, क्योंकि एक अच्छा आदमी है और डेवलपमेंट भी उन्होंने किया है। ज़ाहिर बात है भाई जो लोग बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं उनके दोस्त दुश्मन भी होते हैं, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में सबसे पहले ये थे, उसके बाद में वाईएसआर आए, उसके बाद में केसीआर लेके चले। केसीआर ने आईटी स्ट्रक्चर को इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया है आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर हैदराबाद अब नंबर वन पे पहुंच गया है। मैं देखता हूँ हैदराबाद के अंदर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं रहता हो, बल्कि बड़े बड़े मिनिस्टर लोग भी आके हैदराबाद में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई हैदराबाद हिंदुस्तान का दूसरा कैपिटल है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बने एक से बन के एक। और अभी जो जगनमोहन है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो हर आदमी को
जवाब दे चुके हैं। तो अभी लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है कि भाई किसके खिलाफ क्या बोले, ये भी एक है सोने पे सुहागा। तो जाहिर बात है जब लोग देश का विकास करते हैं, रियासत का विकास करते हैं, लोगों का विकास करते हैं, तो लोगों के लिए दुआएं भी लगती है। अभी जगनमोहन साहब पूरे आंध्र प्रदेश में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं और इधर केसीआर साहब भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहरहाल हम सब लोगों को दुआ करते हैं, चाहे चंद्रशेखर साहब हो या वाईएसआर साहब हो या केसीआर साहब हो या जगमोहन साहब हो या आम पब्लिक को, अल्लाह ताला सबको हिदायत से रखे, खैरियत से रखे, अमन से रखे और सबको आपस में मोहब्बत से रखे। देश का कल्याण हो, देश का विकास हो, रियासत का विकास हो, हर आदमी का विकास हो। आपका क्या कहना है दोस्तों? आमीन तो कह दो और सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों चैनल को। الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सके। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पढ़ेदार खातन भी पढ़ा रही है, मर्द हजादी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा समझा पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत, कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है। उसके हुकूक में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी कवायद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हजरत अली करमल्लाहु वजहु के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक अदा होगा और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूं आता है, ज़य्यनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा, अपनी आवाज से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फइन्नस सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوتا۔